मानो मत मानो, जो आपका पूरा गेमिंग पीसी सेटअप होता है, इसके जो लुक्स होते हैं वो आपके वॉलपेपर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा वॉलपेपर यहाँ पर लगा रखा है। एंड उसकी वजह से जो आपका पूरा सेटअप होता है ना, जो उसके लुक्स हैं भाई, अगर आपने एक अच्छा वॉलपेपर लगा रखा होगा तो एकदम यहाँ से भाई यहाँ पहुँच जाएंगे। और मेरे से यार लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि मैं ये जो कमाल कमाल की वॉलपेपर से कहाँ से लेकर के आता हूँ एंड आप भी इनको कैसे लगा सकते हो, तो इसी चीज़ के बारे में हम लोग आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फटाफट से कर लो चैनल को सब्सक्राइब एंड साथ ही साथ उस बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना, क्योंकि हमको जैसी कमाल वीडियोस बनाते रहते हैं। अब ये चीज समझाने के लिए कि आप भी कैसे कमाल कमाल के वॉलपेपर्स अपने पीसी के अंदर लगा सकते हो, मैं आप लोगों को लेके चलता हूं अपने पीसी की स्क्रीन के ऊपर एंड आपको अच्छी तरीके से यहां पर एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जैसे कि देख सकते हो, मैं आ चुका हूं अपने पीसी के ऊपर एंड यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है एंड गूगल पर आ जाना एंड सीधा यहां पर आके सर्च करना है आपको स्टीम। ठीक है, स्टीम जैसे यहां पर आप लोग ओपन कर लोगे तो सबसे पहली वेबसाइट स्टीम की ही होगी, इसको यहां पर आप लोग ओपन कर लेना। देन यहां पर आपको एक ऊपर सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको लिखना है वॉल पेपर इंजन। तो ये जो सबसे पहले आपको दिख रहा है वॉलपेपर इंजन, इसको यहां पर आपको ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहां पर आप लोग देख सकते हो कि आपको यहां पर वॉलपेपर इंजन को बाय करना पड़ेगा, जो कि है 229 रुपीज का। अब पेड है और 230 रुपए देने पड़ेंगे। ये चीज सुनके भाई वीडियो मत छोड़ देना, जरा दो मिनट यार मेरी बात को सुन लो, ठीक है? फिर चाहे वीडियो छोड़ने का मन करे तो भाई छोड़ देना, ठीक है? जैसी फिर आपको मतलब जैसे ठीक लगे। देखो ऐसा है कि आप यहां पर 229 रुपीज पे कर रहे हो, लेकिन वर्थ इट चीज है यार, मैं सच बता रहा हूं। वॉलपेपर ढूंढने में भाई ऐसी तैसी हो जाती है एंड 229 रुपीज फॉर लाइफ टाइम है। ऐसा नहीं है कि आपको 229 रुपए का हर साल यहां पर रिचार्ज करना पड़ेगा एंड नेटफ्लिक्स वाला हिसाब किताब नहीं है। नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, ये सब का क्या है कि आपको हर महीने हर साल जो इनका बार बार एनुअल सब्सक्रिप्शन है, आपको जो है वो बार बार रिन्यू कराना पड़ता है। इसमें ऐसा नहीं है, एक बार 229 रुपए आपको देने हैं, ठीक है भाई? पिज्जा मत खाना, एक बार 229 रुपए दे देना। मैं तो बल्कि ये मानता हूं पिज्जा खा जाओगे वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये जो वॉलपेपर इंजन वाली ऐप है ना, इसको एक बार खरीद लोगे भाई लाइफ टाइम चलेगा अपने पीसी के अंदर भाई, मस्त मस्त वॉलपेपर फिर लगाते रहना। अब यहां से आप वॉलपेपर इंजन को डायरेक्टली बाय मत करना, वैसे भी आपको इसके अंदर पहले लॉग इन करना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप जो इंस्टॉल कर लेना स्टीम के सॉफ्टवेयर को, स्टीम का जो ऐप है विंडोज के लिए, आप सबसे पहले उसको इंस्टॉल करना अपने पीसी के अंदर एंड देन उसके अंदर से वॉलपेपर इंजन को बाय करना। तो यहाँ पर आपको ऊपर देखो इंस्टॉल स्टीम का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देन यहाँ पर इंस्टॉल स्टीम का बटन आ गया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। स्टीम का इंस्टॉलर यहाँ पर डाउनलोड हो गया, मैं जल्दी से इसको इंस्टॉल यहाँ पर कर लेता हूँ। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने ऑलरेडी स्टीम अपने पीसी के अंदर इंस्टॉल कर रखा होगा, तो वो ये स्टेप को जो है यहाँ पर स्किप कर सकते हैं। जब आप स्टीम को यहाँ पर इंस्टॉल कर लोगे तो ये आपसे पूछेगा क्रिएट न्यू अकाउंट या फिर लॉग इन करने का है। तो भैया अगर आप पहले से स्टीम का यूजर हो तो अपना लॉग इन कर लेना, वरना एक नया अकाउंट यहाँ पर बना लेना। और मेरा अकाउंट तो पहले से ही है, तो मैं फटाफट से यहाँ पर लॉग इन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने लॉग इन कर लिया, जैसे कि यहां पर आपके ब्राउजर के अंदर खुल के आया था ना स्टीम, सेम ऐसे ही आपकी इस एप्लीकेशन के अंदर खुल के आ जाएगा। यहां पर आपको ऊपर सर्च बार अगेन फिर से वही मिल जाएगा, वॉलपेपर इंजन लिख के सर्च मार लेना एंड इसको यहां पर आप ओपन कर लेना। जैसे ही ओपन कर लोगे यहां पर आपको अगेन सेम वही बाय वॉलपेपर इंजन का ऑप्शन मिल जाएगा 229 रुपीस का, ऐड टू कार्ट करके, ठीक है? बहुत ही ज्यादा सिंपल सा प्रोसीजर है, मैंने यहां पर ऐड टू कार्ट कर दिया। परचेज फॉर माइसेल्फ के ऊपर क्लिक कर देना एंड डुप्लीकेट आइटम, ये इसलिए कह रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी यार परचेज कर रखा है, ठीक है? मैं फिर से कंटिन्यू विद परचेज के ऊपर क्लिक कर देता हूं। देन यहां पर आप अपनी जो है थोड़ी बहुत डिटेल वगैरह डाल डूल के अपना यहां पर पेमेंट वगैरह कर देना एंड ये आपकी देन लाइब्रेरी के अंदर ऐड हो जाएगा। जब आप इसकी पेमेंट कर दोगे देन ये आपको मिलेगा कहाँ वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये यहाँ पर स्टीम ओपन कर रखा है, देन यहाँ पर आपको ऊपर लाइब्रेरी का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर आपको साइड में ना काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, मतलब मेरे में तो इसलिए आ रही क्योंकि मैंने इनको खरीद रखा है, ये सारी चीज़ों को मेरी लाइब्रेरी के अंदर ये सारी एडेड है। तो यहाँ पर ना आपको वॉलपेपर इंजन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आप इसके ऊपर क्लिक कर देना। देन यहाँ पर वॉलपेपर इंजन खुल जाएगा, यहाँ पर डाउनलोड का बटन आ जाएगा कि आपने मतलब अब इसको खरीद लिया है, खरीदने के बाद अब आपको इसको डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड इसको कर लेना। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड यहां पर कर रखा है, तो मैं लॉन्च के ऊपर यहां पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली यहां पर लॉन्च कर लेता हूं। जब आप इसको पहली बार यहां पर स्टार्ट करोगे ना, तो यहां पर आपसे थोड़ा बहुत कुछ सेटअप वगैरह करवाएगा, वेलकम टू वॉलपेपर इंजन वगैरह लिख के आ गया है, ठीक है? यहां पर आपसे ये थोड़ी बहुत सेटिंग्स वगैरह पूछ रहा है, क्योंकि इसके जो वॉलपेपर्स होते हैं ना वो थोड़ी बहुत यहां पर आपकी रैम खाएंगे, थोड़ा बहुत बैकग्राउंड में रिसोर्सेस को खाएंगे। तो ये आपसे पूछ रहा है कि भैया आपके जो पीसी है उसकी औकात क्या है, आप कितना यहां पर जो है क्वालिटी रखना चाहते हो अपने वॉलपेपर्स की। अब यहां पर आप लो, मीडियम, हाई, अल्ट्रा वगैरह ये सब रख सकते हो। अब मेरा ये मानना है मीडियम टू हाई के आसपास में एकदम सही रहता है, मैं तो यहां पर हाई पर रख के ठीक है नेक्स्ट कर देता हूं। एंड जैसे ही आप यहां पर नेक्स्ट करोगे देन ये पूछ रहा है स्टार्ट ऑटोमेटिकली, मेरा ये मानना है इसको यहां पर टिक कर देना,
बेटर रहता है, बढ़िया रहता है। एंड इसके ऊपर टिक करने से ये होता है कि जब भी आपका पीसी यहाँ पर दोबारा से रीस्टार्ट होगा ना, देन वॉलपेपर इंजन ऑलरेडी बैकग्राउंड में स्टार्ट होके जो आपने वॉलपेपर सेट कर रखा होगा उसको सेट यहाँ पर कर देगा। अब ठीक है, इसके ऊपर टिक लग गया, अब यहाँ पर दोबारा से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, ऑल डन हो गया है। ठीक है, देन यहाँ पर आपका जो वॉलपेपर है वो ओपन, वॉलपेपर इंजन जो है वो ओपन यहाँ पर हो जाएगा। दो डिस्प्ले इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मैंने दो मॉनिटर यहाँ पर लगा रखे हैं अपने सेटअप के अंदर, इसलिए। अब ये सारे वो वॉलपेपर था जो कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ऐड कर लिए, बट आपको और वॉलपेपर चाहिए हो ना तो यहाँ पर आपको ऊपर वर्कशॉप का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वर्कशॉप के ऊपर क्लिक कर देना। एंड देन ये आपसे पूछ रहा है कि भैया क्या आपको एनीमे के अंदर आप क्या इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो, आपको एनीमे के वॉलपेपर चाहिए या फिर नहीं। तो भैया जो भी एनीमे के फैंस हैं, एनीमे वगैरह देखते हैं, तो वो लोग जो है यहाँ पर शो एनीमे के ऊपर क्लिक करते हैं। मैं तो देखता नहीं, तो मैं यहाँ पर हाइड एनीमे के ऊपर क्लिक करके ओके दबा देता हूँ। ठीक है, देन यहाँ पर आपको भाई बहुत सारे दुनिया भर के भाई ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आपको किस टाइप का वॉलपेपर चाहिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट, एनिमल, एनीमे, कार्टून, वार्टून, साइबरपंक, पता नहीं गेम शेम, लड़की हो कोई तो गर्ल्स टाइप का, गाइस टाइप का, भाई साहब सब मिल जाएगा। ठीक है, एंड तुम किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर वॉलपेपर चाहते हो ना, एक बढ़िया सा वॉलपेपर चाहते हो, तुम यहाँ वर्कशॉप के अंदर आके यहाँ पे सर्च मार लेना। फॉर एग्जांपल कोई भी गेम ले लेते हैं, साइबरपंक ले लेते हैं। ठीक है, अगर आप साइबरपंक के फैन हो, आपको साइबरपंक का कोई बढ़िया सा वॉलपेपर चाहिए तो साइबरपंक लिख देना भाई, साइबरपंक के दुनिया भर के जो वॉलपेपर्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि भाई दुनिया भर के सारे वॉलपेपर। अब साइबरपंक की तरह वैलोरेंट ले लो, ठीक है, वैलोरेंट का चाहिए हो तो भाई इस तरीके से आपको यहाँ पर सारे वैलोरेंट के वॉलपेपर्स देखने को मिल जाएंगे। भाई जो भी इंस्टॉल करने का मन करे सीधा आपको इसके ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर सब्सक्राइब के ऊपर दबा देना। ठीक है, जैसे सब्सक्राइब के ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपकी जो ये आपका जो इंस्टॉल्ड वाला जो ये है ना, ये इधर, ठीक है, इंस्टॉल्ड के अंदर आ जाएगा, ये यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो आपको अगर वॉलपेपर सेट करना है तो आप वहां से सब्सक्राइब करो, देन यहाँ पर आके वो ऐड हो जाएगा। अब देखो ये रहा वो वॉलपेपर जो कि हमने अभी अभी जो है लिया है, उसको सब्सक्राइब पे दबाया था। अब आपको हटाना हो तो यहीं से अगेन अनसब्सक्राइब दबा देना। अब ये देख लो, ठीक है, लुक कैसे आ रहा है इस वॉलपेपर का, भाई साहब तगड़ी क्वालिटी। अच्छा, अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से ना यहाँ पर क्वालिटी के हिसाब से भी वॉलपेपर ले सकते हो। अब जैसे आप यहाँ पर ना फिल्टर्स के अंदर जा करके उसकी क्वालिटी, जैसे रेजोल्यूशन के ऊपर जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको 720p टाइप का चाहिए, फुल HD चाहिए, 4K चाहिए, हर टाइप का भाई साहब। अल्ट्रा वाइड स्क्रीन है उसके लिए वॉलपेपर आपको मिल जाएगा, डुअल मॉनिटर के हिसाब से वॉलपेपर, ट्रिपल मॉनिटर के हिसाब से वॉलपेपर, भाई साहब जो चाहिए आपको सब मिलेगा। तगड़े लेवल का आप यहाँ पर फिल्टर लगा कर भी वॉलपेपर लगा सकते हो। तो उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि आप कैसे यहाँ पर जो है कमाल कमाल के वॉलपेपर्स अपने पीसी के अंदर लगा सकते हो एंड इनके मजे ले सकते हो एंड अपने जो गेमिंग पीसी का जो सेटअप है उसको थोड़ा और यहाँ पर जो है उसको फ्लेक्स कर सकते हो। बाकी आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको अपने लिए कोई गेमिंग या फिर रेटिंग पीसी परचेज करना हो तो आप हमारी वेबसाइट modxcomputers.com को चेकआउट कर सकते हो, इसकी जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। साथ ही साथ अगर आपको अपने लिए कोई विंडोज 10 प्रो का लाइसेंस चाहिए हो तो आप graphkeys.in वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग के ऊपर विंडोज 10 प्रो की OEM की और रिटेल की देखने को मिल जाती है, जाके यार परचेज कर सकते हो। लिंक मैंने आपको दोनों ही वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखी है। मिलेंगे इस एक और नए वीडियो के अंदर एक और नए कमाल के टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।